रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। Welcome back to my channel, Nature with Nitika. And today I'm going to show you something very amazing. And that amazing thing she's about to show is me. Hi guys, my name is Zahan. And give my phone, yeah. And don't do this. Give it. यार ये वीडियो इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, आज चाहे जो हो जाए ये फोन नहीं मिलेगा तुझे। खुद ले ले, हाँ जा, ले 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 ले। Don't do this. यार कुछ डर कुछ नहीं बताइए। Oh shit. This is it. देखो पता है मेरा व्लॉग इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर मी। टूट गया होगा तो मैं क्या करूंगी अब? नहीं, व्हाट एम आई गोना डू देन? नहीं टूटेगा मैम। सो आई एम रिस्पॉन्स फाइंड इट, जस्ट फाइंड इट। मेरे को करके देखो। रॉकेट चल चल, पैसा निकल। एक कचार चल। ए रुक, ये ले हॉस्पिटल के पैसे, दारू के नहीं है। चल निकल यहाँ से। यार रवि, अपना नेक्स्ट फाइटर किधर है? अरे मैडम, फोन भी नहीं उठा रहा है वो, तो लगता है साला डर गया अपने से। रॉकी का प्राइस मनी। अरे देगा ना भाई, पैसा ही पैसा अपने पास, बस एक लास्ट परफॉर्मेंस दे दो, चुम्मा परफॉर्मेंस बाकी। रॉकी का प्राइस मनी देने का मतलब देने का, समझा गया? लॉकी ज़्यादा सुनता नहीं। ए, छोड़ उसको। एक फाइट क्या जीत गया, अपने आप को हीरो समझने लगा है। बाकी है ना एक फाइट। ए रवि, कॉल कर उसको। लॉकी का प्राइस, लॉकी का प्राइस। ऊपर क्या कर रही है तू? चल 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 चल। अरे लेट हो रहा है तू, मेरे को पास्कल का पता बताने वाली थी ना। ओ भाई साहब, नीचे उतारो ना उसको, लेट हो रहा है। चल रघु बेबी, बैंग बैंग जैकेट भी नया है, भाई को दर्द भी बहुत होगा। सही कहा ना भाई? नहीं जैकेट ना। बजा, बैंग बैंग। पहले पास्कल का पता लगाएं। After Pascal, then. हो? क्या हैंडसम हो यार तुम फ्रेंड। एक्सक्यूज मी, मेरा मतलब क्या ब्यूटीफुल है यार तुम। ये सब कहीं और जाके करना। ये एक मिनट। ओके, वाओ। यहाँ कुछ मे आए? श्योर। मैं आता हूँ। ए, कहाँ जा रहे हो?
क्या है? मस्त मेरे फ्राइज भाई, केचप। सुना तूने बड़ी हड्डियां तोड़ी है? पास्कल का पता करना था भाई, उसके लिए इतना तो चलता ही है। पता मिला? ये उसकी माँ का पता है, संडे मास कभी मिस नहीं करती। चलो पास्कल का गेम तो ओवर हुआ, गुड जॉब चैम। तू एक काम कर, कल छुट्टी ले, परसों मिल। बाद में ये मत कहना कि विक्रम भाई बहुत डिमांडिंग है। चल निकल। पांच साल पहले उदयपुर में हुआ एक्सीडेंट, उस लड़की की डेथ याद आया? You know, अगर आज आपकी एंगेजमेंट ना होती ना, तो मैं ही आपको प्रपोज कर देता। Too late. मैंने किसी का प्रपोजल ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है। Oh, really? Oh my God, you look gorgeous. Thank you. Dad. Hello. Aha. राजा साहब। ओहो, तुम मुझे राजा साहब मत कहो। हालांकि हमारी कोई रियासत तो है ही नहीं, बट नाउ लुकिंग एट बोथ ऑफ यू टुगेदर, ये फिर से राजमहल लग रहा है, एंड दिस ओल्ड मैन फील्स लाइक अ किंग अगेन। रियली? डज दैट मीन आई मेक यू फील ओल्ड? यस मी, नॉट एट ऑल डार्लिंग। डैड, दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग हर। अच्छा अच्छा। इस राजकुमारी को देख के लगता है कि मेरी दो नहीं तीन बेटियां हैं। Okay guys, let's have a picture. Shimona, yeah. You guys carry on. Okay. Go. Dad. It's okay. नेक्स्ट मंथ यूरोप? तुमने स्की किया है कभी? हनीमून शादी के बाद होता है, एंगेजमेंट के बाद नहीं। कम ऑन, इतना सारा पैसा वरना कभी खर्च ही नहीं कर पाएंगे। सरकारी नौकरी, आई कांट जस्ट टेक ऑफ व्हेनेवर, और वैसे भी माय बॉस वोंट लेट मी गो। स्पीकिंग ऑफ, तुम्हारा बॉस पिछले 5 मिनट से हमको कोरे जा रहा है। I know. हाँ। I'm trying to avoid it. Sorry. Speak of the devil and he's here. Congratulations. Thank you, sir. बिल्कुल मन नहीं है। But I have to go. Anything urgent? त्रिलोकगढ़ में एक बॉडी मिली है और एक केस हमें मिला है। तुम लोग सेलिब्रेट करो, आज तुम्हारा दिन है। Okay, Rohan. So sorry, यार। Sir. Give me 2 minutes. मेरा
सर मैं आ रही हूँ. मैं बाहर वेट कर रहा हूँ. सॉरी रोहन. मन गो. लेकिन यहाँ आई हैंडल इट. थैंक यू. कौन है तू? फोन पे किससे बात कर रहा था? मैडम से. मैडम तेरे बारे में सब कुछ जानती है. कौन मैडम? अबे बोल. अब तू मुझे मारेगा? एक खून छुपाने के लिए तू कितने खून करेगा? तू बच नहीं पाएगा. कर्मा है बेटा, सब यही जाना है. करो इनको सब पीछे. आप लोगों ने स्केलेटन कितने बजे देखा? बॉडी कितने बजे डिस्कवर की? यस त्यागी. मीरा यो ग्लव्स. सर यही वो कपल है जो यहाँ पर सुबह हाइकिंग कर रहा था. स्टेटमेंट्स? जी सर. फीमेल? यस मैम. मिनिमम 3-4 साल से बॉडी दफन है. एक्सीलरेटेड डीकंपोजिशन मैम. बिकॉज ऑफ हाई सैलिनिटी? लास्ट ईयर यहाँ पे फ्लैश फ्लड्स हुए थे. सरफेस लेवल बह जाने के कारण बॉडी शिफ्ट हो गई, नहीं तो बॉडी 2-3 फीट और अंदर दफनाई गई थी मैम. एनी डीएनए सैंपल्स? कौन है ये? डेथ कैसे हुई कुछ पता चला? नो अपेरेंट कॉज सर. बॉडी काफी डिटेरियोरेट हो गई है. लैब जाते ही टेस्ट शुरू करेंगे. कोई रिंग भी मिली थी? यस मीत. शो मी दैट वन. Thank you.
पर रोहन की बहन रमोना? राजा साहब की बेटी रमोना? We need to be sure first. No speculations, please, मीरा. ये बात किसी भी हालत में बाहर नहीं जानी चाहिए. जी सर. Yes sir. बहुत प्रेशर पड़ने वाला है हम सब पर. Be ready. Yes sir. Sure, sir. त्यागी, immediately पता करो ये प्रॉपर्टी किसकी है. कौन यहाँ आता जाता है. Everything. Okay. कुणाल. Yes sir. मीरा, let's go. मीरा, यू आर बैक और यहां क्या कर रही हो? पार्टी अभी भी चल रही है. कम ऑन. व्हाट इज दिस मीरा? ये तो रमोना की रिंग है. कहां मिली तुम्हें? आंसर मी. रोहन. नो नो, आंसर मी. शी कांट बी डेड. नो, I don't believe this. No. Rohan, listen to me. 5 साल हो गए हैं मीरा. I know. 5 साल से हम रमोना के पिक्चर्स मिसिंग कॉलम में छापते हैं ये सोचकर कि शीज No. I don't believe this. No. I don't. Promise me you'll get that bastard. Trust me, मैं ये सच पता करके रहूंगी. Just trust me, okay? परी, कहाँ जा रही है तू? मैं आपके पास ही तो आ रही थी. रुक रुक, मेरी माँ, मैं आ रहा हूँ. लॉलीपॉप खाएगी? अगर तेरे डैडी को पता चल जाता तो? विक्रम को टाइम के दर मेरे बारे में सोच चुका. पॉइंट. अच्छा परी, मुझे ना बाहर जाना है कुछ दिनों के लिए. बहुत जरूरी काम है. Okay, sure. क्या ओके श्योर? ओके इसीलिए क्योंकि इस वीकेंड हम बोटिंग नहीं जा पाएंगे. देख यार परी, ऐसा मत करना. पक्का ना बोला ना, नेक्स्ट टाइम जाएंगे. इट्स ओके, आई लव यू. मेरा बोलो सर. वो स्कार्फ रमोना की डेड बॉडी के पास मिलना, मे बी इट्स ऑल लिंक्ड. 5 साल पहले मैंने ही वो स्कार्फ रघु को दिया था. रघु? इसका मतलब रमोना के मर्डर में रघु का हाथ है. दिस स्कार्फ विल रिमाइंड यू दैट तुम्हारा घर पे कोई इंतजार कर रहा है. एंड यू रिटर्न इट टू मी व्हेन यू कम बैक टू मी. अगर रमोना के मर्डर में तुम्हारा हाथ है तो यू विल हैव टू कम बैक. मुझे नहीं पता रघु तुम कहाँ हो. साल पहले उदयपुर की पार्टी के बाद जो हादसा हुआ था ना, वो सब कुछ बाहर आ गया यार. वो लोग मुझ तक कभी भी पहुंच सकते हैं और शायद तुझ तक भी. तू गलती से भी उदयपुर मत आना. मैं देखता हूँ
You're wanted for questioning Mr. Raghav Parashar. कुछ नहीं, चलो इस बारे तुम मुझसे बात तो करोगी कि मेरे गार्डन के फूल हो पुलिस वालों की नजर आ हाय आंटी नाइस हाउस यार वो प्रोटीन शेक नॉर्मल बात करने में प्रॉब्लम है क्या भूल गई तुम अपनी एक सेटिंग थी सेटिंग कम ऑन यार 5 साल हो गए अब भी इतना गुस्सा स्कार्फ याद है हाँ हो गया था ना तुमसे मिला मुझे रमोना धनराज की लाश के पास Oh, you engaged? जैसा तुम सोच रही हो ऐसा बिल्कुल नहीं है मीरा यस सर मैं खुद रिपोर्ट करूंगा सर ओके सर थैंक यू क्या है ये सर आज सुबह मैंने अपनी रिवॉल्वर से गोलियां चलाई हैं ऑफिशियल रिपोर्ट फाइल कर रही हूं यू शॉट रघु तुमने अपने बॉयफ्रेंड पर गोलियां चलाई हैं एक्स बॉयफ्रेंड एंड आई शॉट इन सेल्फ डिफेंस वो भाग गया कहां हुई ये फायरिंग मेरे घर पे सर रघु इस केस से कनेक्टेड है We need to pick him up. Tyagi! Yes, sir. Raghav Parashar Uf Raghu. Mumbai se aaya hai, pata karo kyun aaya hai, kahan ruka hai, kisse milta julta hai, everything. Go. Okay, sir. Ab asli mudde ki baat kar le. Mujhe samajh mein nahi aa raha hai ki main Raja sahab se kaise kahun, kya kahun. Tum chalo mere saath. हमें रमोना की फ्यूनरल अरेंजमेंट्स कब सर 2-3 दिन और लगेंगे वी आर रनिंग सम टेस्ट्स वैसे रमोना वहां कर क्या रही थी वहां आसपास कुछ है भी नहीं राइट वी डोंट नो कि रमोना वहां अपनी मर्जी से गई थी एंड यू शुड नो दैट द कॉज ऑफ डेथ इज स्लिट ऑफ थ्रोट एनी सस्पेक्ट्स नो लीड येट रघु ही इज बैक इजंट ही यू नो लास्ट टाइम मैंने रघु को कब देखा था 5 years back उसी रात जिस रात रमोना लापता हुई थी हम उसे मॉनिटर कर रहे हैं और इंटेरोगेट नहीं किया आपने अभी तक जरूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे आप ये बताइए कि रघु की और रमोना की आपस में कोई दोस्ती दुश्मनी नहीं नथिंग वो दोनों क्लासमेट्स थे एंड एज फार एज आई नो वो रियूनियन वाली रात भी आया था कम ऑन गाइस मैं भी उस रियूनियन पार्टी में थी डस दैट मेक मी अ सस्पेक्ट हम क्या कर रहे हैं लाइक रियली वी शुड कॉल द सीबीआई और समवन और आपने कौन सा केस क्रैक किया था 5 साल पहले जो अब आप ये कर रहे हैं इट विल बी डिफरेंट दिस टाइम आई कैन अश्योर यू रिजल्ट्स शिमोना तुम्हारे पास जो भी फोटोज और वीडियोज हैं क्या तुम वो हमें दे सकती हो यस हाय मानुषा आई थिंक यू गाइस शुड आल्सो गिव योर फोन्स प्लीज आई चेंज माय फोन एवरी ईयर तो सॉरी आई गॉट नथिंग आई एम सॉरी
तू उदयपुर क्यों आया? पुलिस इज फॉलोइंग यू। ओ भैया जी, इधर आओ जी। जरा ये पढ़िए क्या लिखा है इस पे। एक मिनट, इसमें ये लिखा है कि द पुलिस इज फॉलोइंग यू। क्या जी, आप पुलिस वाले हो? नहीं नहीं, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं तो टूरिस्ट हूँ, लेक सिटी घूमने आया था। फोटो खींच रहा हूँ। टूरिस्ट हो फिर तो आप घूमने आए हो जी। मुझसे अच्छा आपको कोई घुमा ही नहीं सकता। अच्छा, हाँ। आप मुझे घुमाओगे? क्यों नहीं, आप मुझे चप्पा चप्पा पता है यहाँ का। हाउ वेरी नाइस ऑफ यू। चलिए। अरे अरे संभाल के संभाल के। अरे अरे धीरे 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 धीरे। अरे आराम से। रघु, what are you doing? त्यागी कहाँ है? हमेशा की तरह सीधा on point. थोड़ा left हो? मेरा left या तुम्हारा left? तुम्हारा left. अच्छा मेरा ये हमें disposal. और ये हमारे त्यागी जी तो थोड़े dispose हो चुके हैं. त्यागी जी, hi बोलो hi. Vertigo. वैसे तुम्हें 17 मिनट लगेगा यहाँ पहुँचने में, और 17 मिनट में मैं कहाँ रहूँगा? Calculate. त्यागी का कुछ पता चला? नो सर। अभी नहीं, रात को मिलते हैं। गेट दैट रेड कार। क्या खास है? मैम ये जैकेट, रमोना के किसी भी क्लासमेट ने ऐसा जैकेट नहीं पहना था। मैम फेस विजिबल नहीं है, ट्राइंग टू डिग, जैकेट यूनिक है। तो इस जैकेट वाले बंदे की और फोटोज ढूंढने की कोशिश करो और पता करो ये कौन है। ओके मैम। मीट। यस मैम। व्हाट अबाउट द गेस्ट लिस्ट? वो रात 27 गेस्ट आए थे, इंक्लूडिंग दिस स्ट्रेंजर। सारे के सारे रमोना के क्लासमेट्स थे? या एक्सेप्ट रोहन और शिमोना, क्योंकि वो रमोना की हेल्प कर रहे थे पार्टी ऑर्गेनाइज करने में। और मैम वहां पे मुनीषा भी थी, हां, पर फिर वो तो क्लासमेट भी है। सो कॉलेज रिकॉर्ड के हिसाब से इस रमोना के 26 क्लासमेट्स हैं, प्लस रोहन एंड मुनीषा, टोटल 28। तो पता करो उस रात इन 28 में से कौन पार्टी में नहीं आया। ओके मैम, ये सिद्धार्थ मेहरा। ओह वेरी स्ट्रेंज, रितेश मेहरा का बेटा मूव टू लंदन इन मई 2016 द मंथ रमोना वेंट मिसिंग मैम। पर यहाँ तो उसका स्टेटमेंट भी लिया है, जतिन सर नहीं लिया। यू नो उस वक्त मैंने कितने लोगों को इंटेरोगेट किया, कितने लोगों से पूछताछ करी, क्या खास बात है सिद्धार्थ में? जस्ट बिकॉज उस रात वो पार्टी में नहीं था और उसके कुछ दिनों के बाद वो लंदन चला गया लॉयर बनने, कनेक्शन हो गया। कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। उस रात पार्टी के एग्जैक्टली दो दिन बाद वो लंदन पहुंचता है, एंड सर उस पार्टी में उसके अलावा उसके सारे क्लासमेट्स मौजूद थे। और आज अचानक 5 साल बाद वो पहली बार इंडिया वापस आ रहा है 5:30 बजे की फ्लाइट से। आई डोंट सी एनी कनेक्शन। उसके ऑफिस ने हमें बोला कि वो इसलिए वापस आ रहा है क्योंकि उसके पापा की तबीयत खराब है। उसके पापा तो पोलो खेल रहे हैं। He is clearly lying. Maybe रमोना की बॉडी मिलने की वजह से। मैम, मैम समथिंग स्ट्रेंज, सिद्धार्थ उदयपुर नहीं आ रहा है। Why? मैम वो दिल्ली से सीधा जोधपुर चला गया। पर उसके डैड तो वहीं रहते हैं। मैम
Maybe a pharaoh. He is handsome after all. Handsome or shatir? There's something really fishy. Contact the Jodhpur airport officer. Okay, ma'am. And ask him for information. Ma'am, Siddharth ek black BMW mein apne driver aur ek co-passenger ke saath airport se nikla. Hello. Yes. Hello. हाँ मैडम, जो आपने गाड़ी नंबर दिया था वो जोधपुर उदयपुर के बीच में पिकपाली नाका पड़ता है, वहाँ से गाड़ी निकली है मैम। सामने ड्राइवर बैठा था और दो लोग और बैठे थे मैडम गाड़ी के अंदर। इसका मतलब है उदयपुर से अभी एक घंटा ही दूर होंगे। हाँ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सिद्धार्थ, यूजुअली जब कोई इनोसेंट होता है तो वो पुलिस से भागता नहीं है। मैं बहुत डरा हुआ था। माय डैड्स लाइफ इज इन डेंजर। अच्छा, किसने कहा तुमसे? वो फोन आया था, अननोन नंबर था तो मुझे पता नहीं वो कौन था। हाउ कन्वीनियंट है, अननोन नंबर बोलो, हमें दिमाग थोड़ी है, हम मान जाएंगे। तो तुमने अपने डैडी को फोन करके बता दिया होगा ना, वार्न किया होगा ना उनको, क्योंकि पुलिस को तो तुमने इस डेंजर के बारे में कुछ नहीं बताया। सर, मैं जैसे मैंने कहा, मैं बहुत डरा हुआ था एंड डैड को हार्ट प्रॉब्लम है एंड आई वाज अफ्रेड कि कहीं पुलिस भी ना मिली हो। अच्छा, क्या बोला? तो पिछले 5 साल से तो तुझे अपने बाप की चिंता हुई नहीं, ये अचानक कहाँ से ये प्यार उमड़ पड़ा? क्या मतलब? 6 मई 2016 को तू कहा था मुझे कैसे याद होगा, इतनी पुरानी बात है। आई कांट रिमेम्बर। रमोना याद है? रमोना तेरी क्लासमेट थी ना? आप किस 6 मई को उस दिन रमोना के घर पे पार्टी थी और तेरे सारे क्लासमेट्स वहां गए थे, तू नहीं था। ये याद है? इनको तूने कहा था कि तेरी तबीयत खराब थी, क्या हुआ था तुझे? वो हाँ, शायद मुझे कुछ याद आ रहा है, मुझे शायद फ्लू था इसलिए नहीं आ पाया मैं। यहाँ लिखा है कि तेरी कजिन का बर्थडे था। वो क्या है ना, झूठ अक्सर याद नहीं रहता। आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? Who cares? बहुत साल पुरानी बात है। रमोना फ्रेंड थी तुम्हारी? सर की हिम्मत कैसे हुई? How dare you? मिस्टर मेहरा? सिद्धार्थ? Dad, please get me out of here. These guys are mad. Charges क्या हैं? Sir, we have a reason. Just shut up. सिद्धार्थ, come out. You single. It's okay. Sir. जाओ. Go. कमिश्नर के ऑफिस में एक्सप्लेन करना कि रितेश मेहरा के लड़के को उठाया कैसे तुमने? सर, एक फोटो मिला है। सर, ये हमसे कुछ छुपा रहा है, आई एम टेलिंग यू। सी दिस जैकेट वाला लड़का, आई नो हिम। कौन है? सर, ये अजय, रघु का दोस्त।
पार्टी में एग्जैक्टली क्या हुआ था इसका जवाब अजय ही दे सकता है। अजय कोई है? मेरा कौन हो तुम? आगे बताओ कौन हो तुम? वैसे आई डोंट लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, लेकिन मेरा नाम तानिया है। मैं अजय की नेबर हूँ। अल्कोहल पॉइजनिंग का नाम सुना है? ओवरडोज हो जाएगी। वैसे मुझे लाइफ में ना सब कुछ ओवर पसंद है। वैसे भी थोड़ी थोड़ी पीकर किसे जन्नत नसीब हुई है? हाँ, मैं लाइफ में सब कुछ ओवर करती हूँ। तुम इस वक्त अजय के घर पे क्या कर रही हो? ओवर कॉम्पेंसेट। क्या मतलब? ए लिसन, मुझे इस मर्डर में ना इन्वॉल्व नहीं होना है, ओके? मर्डर? हे लिसन, हेलो हेलो तान्या, तान्या लिसन टू मी, तान्या लिसन, आई एम ट्राइंग टॉक टू यू ना। ओवर कॉम्पेंसेटिंग से तुम्हारा क्या मतलब था? कैन यू प्लीज टेल मी? ये जो मर्द है ना, ये 30 के बाद दौड़ क्यों लगाते हैं? I mean, look at us. 30 के बाद हमें क्या चाहिए होता है? Flirting, thinking about sex, having sex. This is what I mean. But you know what? I think you need this. ये तुम पे ज़्यादा सूट होगा। वो रात को कभी-कभी जुगनू भी चमकते हैं। What the fuck are you doing here? Overcompensating. Stay here. Room, room. Hello? Hi, sport car bhejo. Address is 34 Vienna. Table aur chair bhi manga do tum logo ke liye. Candlelight dinner pe aaye ho na? Ha? Alag alag khade raho. तुम भी ओवरकॉम्पेंसेट कर रही हो मेरा। कीप टॉकिंग, हो सकता है तुम कोई नए वर्ड सीख लो। ओवर एस्टिमेटिंग, ओवर ड्रामेटिक, ओवर डूइंग। यू नो, इसने मुझे डंप किया। व्हाट? हाँ। रियली? मीरा, इट्स योर लॉस, आई मीन। पहले रघु इनका बॉयफ्रेंड था, फिर मैडम पुलिस इंस्पेक्टर बनी। इन्हें नाम और शोहरत से इतना प्यार है कि अब राजकुमारी भी बनेंगी। ओवर कॉम्पेंसेटिंग। यू नो व्हाट, तुम दोनों ना एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। एक है दारू की विक्टिम और एक है पैदाइशी विक्टिम। ही इज सो क्यूट, हाउ डू यू डंप हिम? आई एम गॉट टू चेक आउट हिज बॉडी। हिज बॉडी? हां, एक मिनट, मेरे को कॉल। सॉरी। Vroom, vroom. Listen, Tanya. कहाँ है तू रघु? उदयपुर आया था भाई, कुछ पर्सनल काम था। तुम्हें इसकी बाइक पे घूमना है? See, if you help me, I'll help you. क्या कल रघु आया था यहाँ पे अजय से मिलने? और अजय उसके बारे में कुछ? एक्चुअली मैं कब से नोटिस कर रही हूँ। व्हाई डू यू सस्पेक्ट रघु? हमारी लाइन में सारे काम पर्सनली होते हैं। भाई मैं आपको कॉल करने ही वाला था। एक काम कर, यहाँ आके बात कर। उदयपुर की हवा तेरे लिए अच्छी नहीं, रात की फ्लाइट पकड़ और वापस मुंबई आ, समझा? जी भाई।
एक्चुअली अजय के लिए कल एक गाड़ी आई थी. टेल मी मोर, एनी डिटेल्स. अजय उसके पास गए, पहले उसने एक दरवाजा खोला, फिर दूसरा दरवाजा खोला, और उसके बाद अचानक से एक आदमी आया और उसने अजय को ऐसे पकड़ा और गाड़ी की तरफ धक्का मार दिया. He suddenly killed Ajay. What? He just killed Ajay. Ajay was like dead. I need a break. No. Sorry, listen. Focus. Please. वो गाड़ी की कुछ डिटेल्स याद है? नंबर प्लेट, कलर, एनीथिंग? अरे यार, इतना अंधेरा था, सब कुछ ब्लैकआउट, कैसे कुछ याद रहेगा? तान्या, थिंक. Just think something. Yes. लेकिन एक ना ब्लैक कलर की गाड़ी अजय के लिए हमेशा आती थी, एंड ना उस पे एक एक लोगो हुआ करता था. अब कैसे बताओ यार? आई मीन, एक काम करो, तुम ड्रॉ करके बताओ. यहाँ ड्रॉ करके बताओ. ऐसा कुछ था. जब फोन और टेक्स्ट से काम नहीं चलता तो दूध से चलाना पड़ता है, राइट? Glad you like them. कितना टेक्स्ट पे टेक्स्ट? इंटरनेट डेटिंग है क्या? मुझे ना नॉर्मल बात करने में ज्यादा अच्छा लगता है. एक एडवाइस दो, अभी मुझे यूज करो. हाँ अजय, उसको तो सब पता होना था ना. आज तुम पूछ रहे हो अजय कहाँ है? Have you realized कल को कोई और पूछेगा कि रखू कहाँ है? आज ना तुम बहुत हॉट लग रही हो, और ये लाइट, I'm surprised कॉलेज टाइम में मैंने, तुमने, हमने, यू नो. यू नो व्हाट्स फनी, अजय भी ना बहुत बड़बड़ करता है, एंड उसी बड़बड़ में ही टोल मी अ स्टोरी इट इन्वॉल्व्ड अ कार एंड देन क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं मेरा काम करने के लिए. चॉइस इज योर्स, 5 लाख या तुम्हारा 5 साल वाला सीक्रेट. सबके सामने आ जाएगा, स्टार्टिंग विद इंस्पेक्टर मीरा. कौन है तू? फोन पे किससे बात कर रहा था? मैडम तेरे बारे में सब कुछ जानती है. क्या करता है यार अजय? मेरी गाड़ी बहुत दिक्कत दे रही है आजकल. एक मिनट, कार मैं गाड़ी से दूसरी ले लूंगा. नो यार, आई अंडरस्टैंड, अपनी गाड़ी से एक सर्टन अटैचमेंट हो जाता है. नहीं शिमोना, फॉर मी कार्स आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ड्राइवर्स आर, आई मीन एट लीस्ट फॉर मी. तो तुम्हें वो तुम्हारी फैंसी वो लंबी वाली गाड़ियाँ भी नहीं पसंद? योर सेडान्स? ये तो हाथी के दांत है, डैड ने खरीदी तो है लेकिन अभी भी उन्हें उनकी पुरानी कार ही पसंद है. तो वो चलाता कौन है? मानिशा. Thank you.
क्या सोच रही हो? Nothing यार, too many things. Too many things or Raghu? What? No, I mean it's natural, right? वो main suspect है और तुम्हारा ex भी. Rohan? Hey, no, I'm not saying that. I just wanted to know if you're doing all right. I trust you. Okay? तान्या अजय की नेबर है और एक ड्रंकर्ड है, उससे और इन्फॉर्मेशन निकल सकती है। तुम अपना ये ड्रामा बंद करो और मुझे ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ जल्दी की बू आ रही है ना? Let me check outside. वैसे भी I need a break. Isn't she cute? देखो रघु, मुझे तुम दोनों को डिस्टर्ब करने का कोई इंटेंशन नहीं है. आई नीड टू आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम तान्या, विच इज व्हाई आई एम हियर. तान्या, मुझे बताओ तुमने इस बंदी को कहीं देखा है? हाँ, ये तो अजय से मिलने अक्सर आया करती थी, पर यू नो व्हाट, वो अजय थोड़ा स्ट्रेंज बंदा था. रात को अंधेरे में लाइट ऑफ करके वो ना वहां गार्डनिंग करता था. रात को अंधेरे में लाइट बंद करके कोई गार्डनिंग करता है क्या? अच्छा, यहाँ से दूर का सब कुछ दिखता है? वेवी, किसने कहा कि वो जो टेलीस्कोप है सिर्फ स्टार्स और मून देखने के लिए यूज करते? यू नो व्हाट, आई एम हैप्पी कि तुम्हें ये बिल्कुल ही नॉर्मल बंदा मिल गया है. सो यू गाइस एंजॉय योर डे. आई एम ऑफ. रखो सुन, 5 साल पहले उदयपुर की पार्टी के बाद जो हादसा हुआ था, यू आर सो प्रिडिक्टेबल रघु. अरे तुम यहां? होने वाली सास का पीछा कौन कर रहा है? अच्छा, तुम यहाँ बिस्तर से इतना दूर? उदयपुर अजय को ढूंढने आए हो या उसकी निशानी छिपाने? ऐसा क्या? क्या है यहाँ पे? आओ पता करते हैं. मीरा, I miss you. पर मेरी एक बार बात तो सुन लो. सुनने के लिए कुछ नहीं बचाया. कब तक मुझे सजा दोगी उस गलती की जो मैंने की ही नहीं है? तुम्हारे लिए वो सिर्फ एक गलती थी, लेकिन मेरे लिए वो एक सबक था. और तुम ही कहते हो ना, दिल और दिमाग जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना चाहिए. But I... रघु, it's all over now. I'm engaged. मीरा, क्या तुम खुश हो? मिल गया. क्या? जो चाहिए था. पीछे देखो! क्या? रघु पार्सल, तान्या.
यार तुम इतना निकाल काम के लिए मुझे फोन करते रहते हो यार। तुम्हें पता मैं कितना बिजी हूं, इतना इंपॉर्टेंट केस सॉल्व करना है मुझे। लोग बड़े भसवे हैं, इलेक्शन का माहौल चल रहा है। अरे इलेक्शन तो हमेशा आता रहता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम ही बुलाओ। पूरा तो समझा करो तुम लोग भी। सर पकड़ो ये। हेलो सर, इट्स अजय। अजय ने कहा मुझे उदयपुर नहीं आना चाहिए था। वो लोग मुझ तक कभी भी पहुंच सकते हैं और शायद तुझ तक भी, तो कल से भी उदयपुर मत आना। अजय ने गार्डन में ऐसा क्या छुपाया था कि उस पार्सल के मिलते ही आई वाज अटैक? वो मास्क मैन वो कौन था? मैडम तेरे बारे में सब कुछ जानती है। मोनिशा ने अननोन नंबर से मुझे मैसेज किए थे। क्या मोनिशा चाहती थी मैं उदयपुर हूँ? सर पॉसिबली अजय की डेड बॉडी इस कार में लेक तक लाई गई थी, फिर गाड़ी को आग लगा दी गई। सर आई विल ट्राई but this kind of fire really leaves any biological traces. ये कार किसकी है कुछ पता चला? चैसी नंबर से पता चला है ये गाड़ी कुंभलगढ़ के सफारी में यूज होती थी और दो दिन पहले ही चोरी हुई थी। कल रात को मेरी कमिश्नर साहब से बात हुई और मैंने बड़े ही कॉन्फिडेंस वाले टोन में उनसे कहा, सर डोंट वरी, एक बार अजय मिल जाए तो हम रमोना का केस सॉल्व कर देंगे। मिल गया अजय डेड, इसे भी ठीक रमोना की तरह मारा गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार कातिल ने लाश को छिपाने की बजाय लेक में फेंक दिया। वो तो हमारे त्यागी जी टाइम पर पहुंच गए, वरना ये न्यूज किसी टूरिस्ट के इंस्टाग्राम पे होती। ये सिद्धार्थ याद है ना तुम्हें? यस सर। उसके बाप ने हमारे खिलाफ ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल कर दी है, थैंक्स टू यू। सर प्लीज गिव मी समथिंग, कोई लीड, कोई एविडेंस, कुछ भी। क्या जवाब दूं मैं कमिश्नर साहब को? कल जो मेरे और रघु पे अटैक, ये रघु को इसका केस पार्टनर किसने अपॉइंट किया है? तुमने? सर प्लीज लिसन टू मी। सर रघु तान्या के घर गया, फिशी है मैं मानती हूँ, लेकिन सर अटैक तो हम दोनों पे हुआ है ना। इनफैक्ट अटैकर का पीछा ही रघु ने किया है। जो पैकेज दफन था वो हाथ आया क्या? अपने आंखों से रघु का चश्मा उतारो एंड बी ऑब्जेक्टिव। आर यू श्योर ही इज नॉट प्लेइंग अस? Hi. मनीषा तुम कहीं जा रही हो? वेकेशन। अकेले? सोलो ट्रिप्स आई एम राइट। तुम कुछ दिनों से बहुत अजीब बिहेव कर रही हो। तुम नजर रख रही हो मेरे पे? इफ यू डोंट टेल मी मैं डैड को बता दूंगी। शमोना प्लीज आई राजा साहब को कुछ मत बताना, क्योंकि क्या होगा ना, तुम बात करोगी बातों से और बातें निकलेंगी। तुम्हारे कॉलेज का लास्ट ईयर का सस्पेंशन, तुम्हारा वो फ्रेंड्स के साथ स्कैंडल निकलेगा, रिमेम्बर? देखो शिमो, आई नो यू बीन थ्रू अ लॉट, मैं तुम्हारी माँ हूँ ना, आई एम जस्ट कंसर्न फॉर यू। तुम्हारा कंसर्न होता है मुझे, ओके? तो प्लीज। क्या पहना क्या है? ब्लैक जैकेट या स्वेटर? गो आफ्टर हिम। ओके मैम, आई एम गोइंग। तो ये ब्लैक शर्ट्स को टैग करो सारे। एंड फाउंड हिम शॉपिंग फॉर तानिया। ये किसी से मिलने आया है, इसका लोकेशन ट्रैक करो और इस बार त्यागी को मत भेजना। आई विल फॉलो हिम एंड आई विल फाइंड आउट व्हाट ही इज अप टू। चल ओके। मैं यहां पहुंच गया हूं। आई नो ब्लैक स्वेटर तुम पे सूट नहीं करता। मेरा काम हुआ? अब एक काम करो, अपने सामने वाले स्टॉल से एक हैंड बैग खरीदो, ये एनवेलप उसमें डालो और बाजार के पीछे वाले रास्ते से बाहर निकलो।
श्योर वो यहाँ आया है? यस, लास्ट टाइम ने उसे यही जगदीश मंदिर के आसपास देखा था। यहाँ से जो भी गाड़ियाँ निकलती हैं सबको ट्रैक करो और पास की यूनिट इमीडिएटली यहाँ भेजो। ऑन इट। हाथ बाहर निकालो। आगे वाले सिग्नल पर रोक दें। I won't miss this time. 10 मिनट टाइम प्लीज करें, मैं कुछ कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीरा, oh my God, रघु, I don't believe this. ये रमोना का किला? You stay away, okay? Don't act smart. मीरा! What the fuck are you doing, Monisha? पानी कहाँ है? गाड़ी में है। Monisha? जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ घंटे और and I'll be out of this country. काश तुम दोनों मेरे पीछे हाथ धो के नहीं पड़ते। I'll pay the price for it, darling. God, this hurts. क्या कर रहा है तू? मुझ पे भरोसा करो। भरोसा? Bang bang. मीरा, ऐसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। Just shut up. I just saw you with my own eyes. अरे जैसा तुमने देखा वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरी बात तो सुनो। मैंने तुम्हें अभी-अभी अपनी आंखों से एक लड़की के साथ देखा है। And you know what? बात उतनी सी भी नहीं है। मैंने अभी अकेडमी ज्वाइन की, हाँ? और तुम उस अकेडमी में टिक भी नहीं पाए। You know, I was being very foolish. तुम सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन हो मेरे लिए यार। You know what, Raghu? I wish कि मैं तुमसे कभी मिली नहीं होती। ऐसा मत बोलो मीरा। I can never trust you. आज के बाद मुझसे कभी मत मिलना। Goodbye forever. I can never trust you. Sense of smell कौन साला? Seriously? No network. देखो, considering तुम अपने इस जाल में फंसते जा रहे हो, why don't you just tell me the truth? What's your role? कि मोनिशा यहाँ क्या कर रही है? तुम अपनी मदर इन लॉ टू बी से क्यों नहीं पूछती हो इस ट्रूथ के बारे में? You know what? I don't have to. Because बहुत जल्द पुलिस ही आएगी और तुम दोनों पे डंडे बरसाएगी ना, तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई तो उगल ही देगा. Stay away from me. उससे पहले मोनिशा हमें मार देगी। Stay away. सर, सर, तू तो रघु का पीछा कर रहा था, यहाँ क्या कर रहा है? सर, सर मीरा रघु का पीछा कर रही थी और हम मीरा को ट्रैक कर रहे थे। सर, अब दोनों का ही कॉल नहीं लग रहा है, दोनों मिसिंग है सर। शुरू से बताओ। सर, मैं उसे ट्रैक कर रहा था और फिर सर मैंने उसे कॉल किया था और समझाने की कोशिश। एक-एक करके बोलो बेटा, एक-एक करके। सुनो। क्या हम टर्न कर सकते हैं? माय बैक इज हर्टिंग। मैं दबा दूं? डोंट इवन थिंक अबाउट इट। टर्न। ओह गॉड। एक बात पूछूं? पूछो। ये ब्लैक कलर मुझ पे सूट नहीं करता है क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं। Sorry to disturb you guys.
तुम्हारे लव बर्ड्स का खत्म हो गया तो मैं बात कर सकती हूँ? अजय कहाँ है? मीरा, बताया नहीं तुमने दैट अजय इज विद रमोना? डेड? क्या? ये क्या नाटक है? मैं नाटक कर रही हूँ तो मीरा को तो ट्रस्ट करते हो? मीरा तुम्हें बता दो, आई थॉट यू न्यू। न्यू व्हाट? क्या बोल रही हो तुम? मुनीषा बाहर निकालो। रघु, आज सुबह हमें अजय की बॉडी लेक पे मिली। I don't have time for it and I gotta go, darling. See ya. And you lovebirds, enjoy each other's company. Monisha! Meera ka last location Udaipur Jodhpur Highway par tha. Track wo. Sir! Sir, sir, sir! Ye Monisha Dhangaraj hai na? Great job, Tyagi. Thanks. Sir, iske lips kitne beautiful hai na? मैंने कहीं से भी spot कर सकता हूँ. अपने lips बंद कर और Monisha को track कर. Sorry, sir. Yes. Lips से track करते हैं. Raghu! Shit! Raghu! Raghu, let the police handle it. Tell me, तुम इस केस में कैसे involved हो and I will help you. I know you're involved. तुम मुझ पे trust नहीं करोगी. Raghu, just come back. Bang bang, bang bang. Just tell me the truth. Actually, बात ये है ना. Hello. I don't know where I am. So I'll just send you the location. Can you come get us? Should I even bother asking? No. Thank you for picking us up. Bang bang. लेकिन तुमने तो कहा था Monisha ने तुम्हें किडनैप किया है। जतिन उसको ट्रैक कर रहा है। We'll get her. वो जतिन just sent her location. Some royal cottage. I know that place. You know I'm a feeling. तेरा प्यार मेरी close. This is it. Yeah, I fear I'm just dreaming. You stay here. Meera, ek minute. Can you please tell me ye sab ho kya raha hai? Wo mere dad ki wife hai, Meera. Kuch hi minuton mein pata chal jayega. Tum please yahi ruko. For my sake, please. Okay. Huh? You take care. Okay. I think Monisha अंदर अकेली है। तुम उससे बात करो, उसे कहो कि अपने आप बाहर आ जाए, नहीं तो फिर हम अपने तरीके। मीरा, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? Arrest him. Yes sir. Sir, please, no discussion. नजर रखो उस पर। Monisha, लगता है मीरा को अपनी जान प्यारी है। Monisha, अब भी समय है, बाहर आ जाओ। त्यागी, जी सर, फ्यूज चेक कर। ओके सर, लेट्स गो। ये नजर रखी थी, अपने हाथ में भी हथकड़ी लगा 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 लेके जाओ। रोहन, एक मिनट, रोहन मेरी बात सुन। रोहन, सॉरी रोहन।
हथकड़ी निकालो। मैडम निकाल दो, वो खुद निकाल लेगा 2 मिनट। आधे घंटे से मुझे एक मच्छर एक ही जगह पे बार बार काट रहे हैं। रघु, यू डू रियलाइज दिस इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन। तुम थी ना वहां, मैंने नहीं मारा मोनिशा को। पर तुम वहां मुझसे पहले थे। मुझे लग ही रहा था वहां कोई शाना बन रहा है, मगर साला मैं थोड़ा लेट हो गया। ये क्या? क्या ये? फेक आइडेंटिटी पेपर्स। मोनिशा को ये सब क्यों चाहिए था? मुझे क्या मालूम, तुम अपने होने वाले ससुर से पूछो ना, उसकी बीवी भागी है, उससे पूछो। रघु, पर ये फर्जी पेपर तो तुमने ही मोनिशा को दिए ना? Do you think I'm a fool? Enough, मीरा, enough. You're wasting time. ये इस केस की सीरियसनेस को समझ नहीं रहा है। राजा साहब की फैमिली उदयपुर की सबसे बड़ी फैमिली है और उसमें 2 मर्डर हो चुके हैं। पहला उनकी बेटी का, जिसकी लाश अभी तक फॉरेंसिक्स में पड़ी है, और अब बीवी। अंदर करो इसको, नहीं तो सबको लेके डूबेगा। वाह सर वाह, अपनी बचाने के चक्कर में मेरी क्यों लगा रहे हो सर? कब तक चोर पुलिस खेलोगे सर? ये डोले ऐसे हवा में नहीं बनाए। बिप्स, रूटीन चेक कर। रघु, ग्रो अप। मर्डर चार्ज लगेगा तुम पे, यू डोंकी। मर्डर वेपन कहाँ है? ढूंढ लेंगे। लेट्स गो मीरा। सर, मैं मानती हूँ कि लॉजिकली यही प्राइम सस्पेक्ट है, पर वो थ्रू आउट मेरे साथ था सर। गोली किसी और ने चलाई थी, आई एम टेलिंग यू। एक नंबर का ड्रामेबाज है वो। सर ड्रामेबाज है, लेकिन इतना झूठ नहीं बोलेगा। इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं करता है रघु, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ सर। यही तो प्रॉब्लम है मीरा, कि तुम उसे अच्छे से जानती हो, शायद इसीलिए इस केस में इतनी ढील दे रही हो। और रही बात गोलियां चलाने की, तो गोलियां चलाने के लिए वो किसी को भी भेज सकता है, कॉमन सेंस। पर कुछ नहीं, इस केस को लेकर हमारे पास जितने भी फैक्ट्स हैं, उनमें एक फैक्ट कॉमन है, रघु। अगर तुम इस रघु पर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो, तो शायद ये केस हम टाइम पर सॉल्व कर सके। थैंक यू सर। किस काम की है ये पुलिस? यू हैव नो रिजल्ट्स, नो न्यूज, डेड। और कितने कत्ल होंगे? मोनिशा के बारे में जानते हुए भी आप ही लोगों के सामने ही। मीरा, तुम तो डैड, इसमें मीरा की कोई गलती नहीं। धनराज खानदान पर किसी बुरी नजर है। कौन है वो? मेरा यू स्टेप आउट ऑफ दिस केस। डोन, प्राइवेट बॉडीगार्ड्स, घर में, ऑफिस में। आई कांट लूज एनीवन एनीमोर। डैड, मीरा ने रघु को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया है। He is under arrest? Technically not. हम अभी भी सबूत ढूंढ रहे हैं। हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं उस। But Mira, can I talk to you for a second, please? Sir. What is it, Rohan? Do you still have feelings for Raghu? What? No, because if you do, I completely understand. और शायद इसीलिए इतनी obvious बात enough नहीं है तुम्हारी। रोहन, रघु और मेरे बीच में जो कुछ भी था, it's over now. And it's been over for years. And you know what? I need you to stop with these Raghu talks. तो फिर why are you saving him then? You are just overreacting. And you are not reacting at all. I am doing my job. You know what? अब मुझे लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। रोहन। आ गया। मीत, रघु यहाँ पे आया था क्या? यहाँ? हाँ। सर, जतिन सर ने तो अभी तो मेरे से हथकड़ी बनवाई उनसे। एक आदमी पे नजर रखने के लिए कहा था, तुम लोगों से नहीं हुआ। तुम जैसे गधों के साथ ये केस मैंने कर लिया सॉल्व। नलायकों, मेरी शक्ल। कुछ हुआ क्या? बस खड़े रह के बातचीत कर रहा तुम लोग। तुम यहाँ पे कैसे? तुम तो भाग गए थे ना? मैं तो यही था कॉल पे। जयदीप सिंह भाटिया, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, उनकी बेटी मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। उन्होंने कहा, अगर आप मुझ पे कोई चार्ज नहीं लगा रहे हो और अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है, तो क्या मैं घर जा सकता हूँ? बहुत बू आ रही अंदर से। इस बू की आदत डाल ले बेटा। तेरा यह भाटिया
तुझे आज तो बचा लेगा मगर तेरा फ्यूचर इन्हीं चार दीवारियों में है। सर पर इसे क्राइम सीन पर कौन लाया था? हम? जज 2 मिनट में छोड़ देगा इसे, हम छोड़ देते? जा बेटा। सच में? सच में। थैंक यू सर, लव यू सर। मिलते हैं, बाय गाइस, बाय। अब क्या करेंगे सर? वेट एंड वॉच। पीछा करूं सर? ना, इसका पीछा हम यहीं से करेंगे। बिना ठोस सबूत के हम इसे अरेस्ट नहीं कर सकते और सबूत हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि ये हमसे एक कदम आगे चल रहा है। अब तक, अब नहीं। ये रहा रघु, अब ये जहां जहां जाएगा हम इसके साथ साथ जाएंगे। आपने इस पे कैमरा लगा दिया? कैसे? सैल्यूट है सर आपको। जीनियस सर। पिक्चर अभी बाकी है मेरे त्यागी। फ्लश्ड द कैमरा सर। हाँ दिल की मैं करता, मरता नहीं मन को, मैं मुझको ना डर, चलूं लेकर कफन को, मैं मुझको जरूरत ना किसी हथियार की, शब्दों से पेलता हूँ दुश्मन को मैं रोदा बंदा ओ बंदी मेरी फैन केंदी ओन बोल मेरे लगते कैंट कैंट सूरत शरीफ आशिक मैं गैंगस्टर। 5 साल पहले पार्टी के पास में रमोना का मर्डर हुआ था। 5 साल बाद अजय का मर्डर हुआ था। मोनिशा भाग क्यों जाना चाहती थी और इसे मारा किसने? कहीं ऐसा तो नहीं रमोना अजय मोनिशा का कातिल एक ही है, मास्कमैन? अच्छा वो मोनिशा के फोन का डेटा डाउनलोड हुआ? Let me check. मोनिशा का फोन मिसिंग है। What? खुल जा सिम से। यू रिमेंबर वेयर रमोना हैड अ पार्टी? कम देयर। कहाँ लेके आया तू मुझे यार? अबे ये कोई आम पार्टी थोड़ी ना है, ये उदयपुर की प्रिंसेस की पार्टी है। अच्छा रमोना, स्कूल्स, कॉलेज,
जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से समझते हैं कि रटा मारने से ना एजुकेशन हो जाती है बॉस भी से भाई क्या पहाड़ी है यार उदयपुर का पूरा एलआई बना दिया लोग ने और यहाँ की लड़कियां उफ हाँ ठीक है यार अबे फोटो बाय बाय ठीक मेरा और तेरे लिए तो ठीक ही होगा ना यार यहाँ की आधी से ज्यादा लड़कियों को तूने डेट कर लिया होगा है ना well... सभी लड़कियां नहीं कुछ मेरी जैसी अनफॉर्चुनेट लड़कियां भी हैं मोनिशा Hey. कैसी हो? Long time no see. How are you? भाई, hey. Sorry hey, यार मोनिशा आप मेरी girlfriend है वरना मेरा पहला प्यार तो तुम ही है। I know. भाई, by the way, who's your friend? Sorry guys, तुम लोग को introduce नहीं कराया। ये मेरे बचपन का यार है। Hi. अजय, मोनिशा। मैं इसके बचपन का यार हूँ। हम लोग दोनों साथ में ही बड़े हुए। I know. और हम लोग भी, you know भाई। सारे फोटोज कॉन्टैक्ट्स और ईमेल और मैसेजेस डाउनलोड हो गए थे बस लोकेशन और वीडियो रह गई थी मैसेजेस देखो मीट मी एट द पार्टी प्लीज रमोना की पार्टी कहाँ होगी सेंड द लोकेशन ओके पीले बेटा और वैसे इसको किसी ने इनवाइट किया है या ऐसे ही तेरी बहन ने पर्सनली इनवाइट किया है या फिर आया तू मौके से नहीं फोन ऑफ अस आर यू मैड पागल हो गए क्या ही किल माय सिस्टर एंड यू ऑल लेट हिम गो कब तक इसे बचाओगी मीरा यू डोंट नो दैट येट तो फिर ये यहां क्या कर रहा है यू नो व्हाट दैट मींस इसी ने मारा है रमोना को समझो ना सही कह रहा है ये आई एम रिस्पांसिबल अजीत तू क्या कर रहा है यहां पे नहीं वहां पे कर दिया उस दिन पार्किंग लॉट में रमोना किससे बात कर रही थी कौन था वो मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया फिर पार्टी में मैं उससे टकराया ओ सो सॉरी आई एम सो सॉरी दैट्स ओके वेट अ सेकंड वेयर इज द टिश्यू लिसन गिव दैट अरे मेरा स्कार्फ हाँ तो तुम्हारा स्कार्फ है खुद का स्कार्फ यूज करूँ क्या अरे कहाँ ले जा रही हो अरे गाड़ी आई रहेगी आप उन ऑटो से जाएंगे नहीं नहीं यार मेरे होते हुए भाई के होते हुए तू ऑटो से कैसे जाएगा मान जाना जी नहीं 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 अपन कैसे आए थे गाड़ी से और कैसे जाएंगे गाड़ी से बराबर लाचा बेटा मेरे मना करने के बाद भी अजय नहीं माना देख तेरा भाई कैसा सुपर फास्ट पहुंचाता है घर पे तेरे को आराम से चल स्लो डाउन आराम से चल अरे कुछ नहीं होगा टेंशन मत ले Thank you.
जानवर था ना भाई, मेरे को जेल नहीं जाने का भाई, मेरे को जेल नहीं जाने का भाई, प्लीज पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस को नहीं, देख तेरा करियर मेरा करियर सब कुछ खत्म हो जाएगा, वैसे भी यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं, निकलते चल आजा। और अगले दिन न्यूज आई, रमोना इज मिसिंग। यू सन ऑफ अ बिच, क्या कर रहे हो? आई एम गोना किल यू वन डे। कितना झूठ बोलेगा? अरे स्टॉप इट, झूठ बोलेगा, स्टॉप इट। मैं भी 5 साल तक यही सोचता रहा कि वो रमोना थी। बॉडी यहां से 30 किलोमीटर दूर मिली। कैसे? ऑटोप्सी में कॉज ऑफ डेथ गले पे वार है, एक्सीडेंट नहीं। उस रात रमोना बीच रोड पे भाग क्यों रही थी? क्या कोई उसका पीछा कर रहा था? अजय को कुछ पता चलने वाला था और फिर अजय को ही किसी ने मार दिया। हाँ, मैंने नहीं मारा रमोना को। I don't trust you, you bastard. Shit. Sir, forensic lab चल रहा है। अब रमोना के डीएनए की जांच कैसे होगी? ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। अब मेरी मौत का राज राज ही रहेगा। ताज़ा खबर, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि शहर के फॉरेंसिक लैब में लगी है भीषण आग। ये वही लैब है जहां पिछले हफ्ते प्रिंसेस रमोना धनराज की मिली लाश की जांच चल रही थी। और शॉकिंग न्यूज़ ये है कि जहां प्रिंसेस रमोना धनराज की लाश मिली थी, वहां एक और लाश मिली है, नाम अजय गुप्ता, उम्र 25 वर्ष। और धनराज परिवार की ओर से एक और मौत की खबर आती, पृथ्वीराज की बीवी मोनिशा। क्या है इन तीनों लाशों के बीच में आपस में कनेक्शन, जानने के लिए देखिए तेज खबर। What the fuck is Meera doing? हाँ, कोई forensic lab में आग लगाकर चला जाते हैं और लोग खड़े-खड़े देख रहे हैं। Why are you accusing Meera in this? हाँ, मतलब मुझे पता है कि वो कितना try करी है ताकि वो ये केस सॉल्व कर सके भाई। रमोना का skeleton कितने सालों बाद मिला था, अब वो राख हो चुका है। हाँ, but इसमें हम Meera को कैसे blame कर सकते हैं? हाँ भाई, they even know what she's going through. Whose side are you on? हाँ, रमोना का killer पूरी सिटी में खुला घूम रहा है और हम कुछ नहीं कर सकते। मजाक बन के रह गया है हमारा। और कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि मीरा को इस फैमिली की कोई फिक्र नहीं। प्लीज काम डाउन, लेट्स ऑल बी पेशेंट नो, उसको थोड़ा वक्त तो दो ये केस सॉल्व करने के लिए। मुझे पता है कि मीरा कैन सॉल्व दिस केस और वो बहुत मेहनत करी है। आई एम श्योर शी इज गोइंग टू फाइंड हूएवर दीस गाइस एंड व्हाई दे आर डूइंग दिस। और ये रघु प्राइम सस्पेक्ट है ना, वो इसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर रही है लोग। और उसके बाद गेम ओवर। अब देख आगे आगे होता है क्या।
लड़की परी परी बस यही बचा है? बाकी सब कुछ जल गया, बस इतना ही बचा है। इसको तो ना हम फिर भी पकड़ के रहेंगे। और उन अरेस्ट का क्या जो हमने किए थे? 24 एक्टिव केसेस और सारे सबूत भी वही थे। You are wasting time. सर, पर हम ऐसे गिव अप थोड़ी ना कर सकते हैं। ये क्या है? कमिश्नर साहब के एक्सप्रेस ऑर्डर्स हैं। मुंबई? क्यों? क्योंकि रघु मुंबई में। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि रघु को अनट्रेसेबल VOIP कॉल्स आते हैं। कल रात को भी एक आया था जिसके बाद उसने मुंबई की फ्लाइट पकड़ी। सर पर यहाँ कब? यहाँ की टेंशन तुम मत लो, तुम सिर्फ रघु और उसके दोस्तों पर कॉन्सेंट्रेट करो तो शायद ये केस जल्दी सॉल्व हो जाए। उदयपुर में क्या पर्सनल काम था? मैं तो अब यहाँ हूँ, उदयपुर से क्या लेना? आज तुम्हारी वजह से परी की जान खतरे में है। और ये है कौन? अब तक पता नहीं कर पाया हूं लेकिन प्रॉमिस करता हूं। रघु तू प्रॉमिस मत कर, तू कर। सॉरी शिमोना, तुम्हें बचाने के लिए मुझे ये करना पड़ा। शांत हो जा, कुछ नहीं होगा बेटा, तेरा बाप जिंदा है अभी। ये सब हुआ कैसे? यहां तक पहुंचा कैसे हो? Dad, the police is here. क्या है ये? घर है? घर नहीं है। अनराज, पहले सही है। यार कोई भी आएगा मेरे बच्चों को डरा के जाएगा। Dad, मीरा, मीरा कहाँ है? मीरा यहाँ नहीं है। मीरा बिल्कुल ठीक है, सेफ है, डोंट वरी। तेरे बेटे का नाम आयुष है ना? सुना है सेंट जोसेफ्स में पढ़ता है। अगर एक घंटे के अंदर मुझे मेरी बेटी परी के बारे में नहीं पता चला तो आयुष आज स्कूल से वापस घर नहीं आएगा। यहाँ नहीं आई वो? वो कुछ देर पहले मुंबई के लिए निकली है।
विक्रम राइट? रघु कहाँ है? तो तुम हो वो उदयपुर का पर्सनल काम। चाय पियोगी? मुंबई? व्हाट इज इट इन मुंबई? मीरा, उदयपुर से तेरा पार्सल आया। रघु जस्ट गिव अप, व्हाटएवर यू आर प्लानिंग जस्ट अपडेट। जूलिया के नेटवर्क में से कोई नहीं, लेकिन मेरे पहुंच के बाहर एक आदमी है जिसकी ये डेयरिंग हो सकती है। इट्स गुन्नार। कहां मिलेगा ये गुन्नार? फैक्ट्री मिली है पायधोनी के पास। दिस इज गुन्नार, बहुत कैश बना रहा है, बहुत बड़ा काम कर रहा है। शायद तेरी उदयपुर वाली पार्टी यही है। लेट्स गो। प्लान व्हाट? आप लेफ्ट से चिपके जाएंगे, आपके डिस्ट्रैक्शन के लिए मैं और मीरा राइट से कवर करेंगे। मीरा? ये उदयपुर वाली? ये तेरे कंट्रोल में तो है, और अगर वहां इसको किसी ने कुछ किया तो? उससे पहले वो उन लोगों का कर देंगे। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। उस सबूत को मिटा दिया जो हमारे लिए खतरा बन सकता था। मतलब 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसे मैं दफना चुकी हूँ। कैसे? जलाकर। Bang, bang. Bang, bang.
परी के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन मास्क मैन ने परी को किडनैप करवाया। विक्रम सर की जान गई, मास्क मैन मुझ पर पर्सनल अटैक कर रहा है क्योंकि वो मुझे उदयपुर से दूर रखना चाहता है। एक के बाद एक मर्डर हो रहे हैं, अगला शिकार कौन? सिट सिट प्लीज। अगर मुंबई पुलिस जान जाती कि उदयपुर पुलिस की एक ऑफिसर शूट आउट में शामिल है, व्हाट वर यू थिंकिंग? सर, एक छोटी बच्ची की जान खतरे में थी। तो मुंबई पुलिस को हैंडल करने देती? सर, आई थॉट अगर हम रघु को फेवर करेंगे तो वो कोऑपरेट करेगा हमारे साथ। प्राइम सस्पेक्ट सबूत सामने रखने पर कोऑपरेट करता है, फेवर करने से नहीं। मुंबई के गैंगस्टर्स पर गोलियां चलाकर आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली, प्लीज बताइए। सर, मुंबई जाने के लिए तो आपने ही कहा था ना मुझे। कहा था, पर वहां जाकर रघु की हेल्प करने और गोलियां चलाने के ऑर्डर्स नहीं थे आपके पास। सर, आई रियली रिस्पेक्ट मीरा एज एन ऑफिसर, शी इज टू गुड सर, नो डाउट, पर इनकी जजमेंट जो है ना सर, वो शुरू से गड़बड़ रही है सर। सर प्लीज। सर, उसका कारण ये है कि हमारे जो दोनों विक्टिम्स हैं, मोनिशा एंड रमोना, रिश्तेदार हैं इनके, पर हमारा प्राइम सस्पेक्ट रघु इनका एक्स बॉयफ्रेंड है। सर, जजमेंट तो गड़बड़ होनी थी। सर, मैं मानती हूँ कि ये केस बहुत ही मुश्किल था और वो पूरा किडनैपिंग रेस्क्यू का आइडिया गलत था, बट सर आई एम अप टू इट। Maybe you are. Or maybe you are not. I am. 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, या तो रघु के खिलाफ पक्के सबूत लाओ या फिर उसे रोल आउट करो, अदरवाइज यू आर ऑफ दिस केस। मैगी विद टमाटो सॉस, शेफ परी स्टाइल, टाटा। अच्छा परी, वो तेरी आइस प्रिंसेस वाली मूवी का नाम क्या था जिसमें वो स्नोमैन भी है? आर यू ओके परी? आई एम। Of course you are okay, beta. You are a big tough girl, है ना परी? पांच साल पहले रमोना गायब हुई, पांच साल बाद सिद्धार्थ इंडिया आया। जब सिद्धार्थ को मीरा इंट्रोगेशन के लिए ले गई तो उसके बाप रितेश मेहरा ने उसे छुड़ाया। रितेश मेहरा और धनराज बिजनेस राइवल्स हैं। ये आपका दुश्मन है? जहां तक मैं जानता हूं, नहीं। मेरा दुश्मन तो वो हॉस्टल का वॉचमैन और ब्रूनो। ब्रूनो? अरे वो हॉस्टल का सुपर डॉग, जब देखो तब भागता रहता है, भौ भौ भौ। दुश्मन दुश्मन पर भौंकेगा, भौंकेगा भी और काटेगा भी। राजा का दुश्मन रितेश। लीजा, रिपोर्ट। मीट बैलिस्टिक रिपोर्ट। मेरा तुम ये भूल गई। स्टेटमेंट्स। कॉफी पिला दो यार। लंच? रोहन हाय। वैसे हम मिलने वाले थे लंच पे, बट मीरा लंच तक नहीं आ पाई, तो लंच मीरा तक आया। सो सो सॉरी। सो फ्लाइट कैसी थी? रबिश। यू नो, जब से ये केस शुरू हुआ है। आई नो इट। सी, आई प्रॉमिस आज रात आई एम हैविंग डिनर विद। You know Mr. Philippus, right? Yeah. So he's in town. Oh. So उनके साथ देर रात तक मीटिंग है, but come over, हम लोग कोई फिल्म देख लेंगे। Okay. Plan. कौन हो तुम? देखो, तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकेंड, उसके बाद ये
सिक्योरिटी वाला तुम्हारी सीटी बजाएगा। क्या फर्क पड़ता? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें जो देख लिया। You can't go in without an invite. यहाँ पे सिर्फ जान पहचान वाले लोगों की एंट्री है। पहचान तो होगी। देखो हम साथ में ऊपर तो नहीं जा सकते, लेकिन बाहर तो साथ में जा सकते। Bang, bang. किसी और के साथ फ्लर्ट मत करना। I'll be watching you. Yeah. Bye. मेहरा खानदान ने उदयपुर में 3 बेस्ट पार्किंग होटल, 2 बिजनेस पार्क और 12 रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाए। और ये जो उदयपुर के सो कॉल्ड रईस ज़ादे हैं ना, उनकी तरह पुश्तैनी रईस नहीं है हम। अरे बन गए आप। इतनी महंगी विस्की धनराज भी नहीं पिलाता। बाय द वे आप कौन? मैं वो हूँ जो धनराज से नफरत करता हूँ और फ्री की विस्की से प्यार। फिर तो तुम सही जगह हो। गेट हिम अ ड्रिंक। हे, आई हर्ड व्हाट हैपेंड। तुम्हें इससे क्या? दिस इज जस्ट सम अदर केस फॉर यू ना शिमोना। यू आर जस्ट अपसेट। थैंक यू फॉर टेलिंग मी। You know what? Let's do one thing. Come. Drive pe chalte. What? ये साला bastard life में हमेशा मुझसे कुछ ना कुछ छीनना चाहता है। विक्रम मेहरा सिद्धार्थ का फादर, सिद्धार्थ रमोना का कनेक्शन और मेहरा और धनराज आपस में दुश्मन। मैंने सुना है पुलिस को कुछ खास पता चला है, कोई 5 साल पुराना केस। इसके चेहरे का तो रंग बदल गया। एक्सक्यूज मी गाइस। रघु, थोड़ी अर्जेंसी है, मैं आता हूं। सुनसान जगह पे ये क्या कर रहा है? ये किससे मिल रहा है? Dad, वो मैं। You have lost the plot, damn it. ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। Dad, but मैंने किया क्या है? तुमने क्या किया है? तुम अब बच्चे नहीं रहे। पुलिस को पहले ही शक हो गया था। I have taken everything in control. Chill ना। कितनी बार कहा मैंने? वो लड़की तुम्हें ले डूबेगी, बर्बाद कर देगी। तुम कब तक यहाँ सर्वेंट क्वार्टर में छुपे रहोगे? How is war? Terrible. You know, imagine the worst case scenario and multiplied by 1000. Dad, आप ऐसे hyper हो रहे हैं। पुलिस कुछ पता नहीं लगा पाएगी कि वो लड़की कौन है।
शिमोना, I'm really sorry यार, उस दिन मैं आई नहीं। It's okay. But this is nice, no? Just you and me. Are you okay? Yeah, I've been having this thought, you know. वो वीक रमोना दीदी भी बहुत अकेले अकेले रहती थी, बहुत लोनली रहती थी, किसी से बात नहीं, कुछ नहीं. क्या उन्हें भी कोई थ्रेटन कर रहा था? Why is this happening to only us? Shimona, you're safe. चल थोड़ा मूड चेंज करते हैं. Music. Okay. Shit. Come on, jaldi. Jhatpat karna. Jaldi, jaldi. कैसे आई? Feeling better? Oh yeah. अब मैं क्या करूं? Seat belt. ये ताला खुला क्यों है? एविडेंस है। अगर ये एविडेंस है तो एक बार अंदर भी देखाओ। You will be happy that you shot him. अगर मैं होता ना तो इतनी ऑब्वियस जगह पे नहीं रखता। और अगर मैं होता ना तो यहाँ होता ही नहीं। एक बात याद रखो, अगर सिद्धार्थ कातिल नहीं है तो अगले सस्पेक्ट हो तुम। एंड आई होप तुमने यहाँ और किसी चीज को हाथ नहीं लगाया होगा, क्योंकि अगर कहीं तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिल गए तो तुम गए। नहीं सर, मैं ग्लव्स रखता हूँ अपने साथ। Just walk off, Raghu.
ये बात समझ नहीं आई कि सिद्धार्थ मेहरा सर्वेंट क्वार्टर में क्यों छुपा हुआ था। सर मैंने आपको पहले ही कहा था देयर वाज समथिंग रियली ऑफ विद सिद्धार्थ, बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई डिड ही डू इट। काश हम पता कर पाते। नहीं लेकिन किसी ने तो मुझे जल्द से जल्द फिंगरप्रिंट रिपोर्ट चाहिए। त्यागी सील द प्रॉपर्टी। ओके सर, लेट्स मूव। पहले धनराज परिवार के विरोधी सिद्धार्थ मेहरा को एनकाउंटर में मार दिया। ये रमोना धनराज की बॉडी मिलने के 2 हफ्ते बाद ही हुआ। क्या कनेक्शन है दोनों के मर्डर्स में? क्या रुख लेगी इन दोनों की मौत? जानने के लिए देखिए। सर फाइनली आपकी गाइडेंस से ये केस सॉल्व हो गया। द क्रेडिट गोज टू यू। नो सर, नो 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 नो, इट वाज टीम एफर्ट। वेल डन मीरा। थैंक यू सर। सर आप देखिए, अपनी एंगेजमेंट के बीच में से ये इस केस में हमारी हेल्प करने के लिए आए। आई रियली अप्रिशिएट मीरा। और सर जब मैंने इनसे कहा कि मैंने आपको अपना पर्सनल कमिटमेंट दिया है, शी फॉलोड माय एवरी इंस्ट्रक्शंस। राइट मीरा? मीरा अब तुम अपनी शादी पे कॉन्सेंट्रेट करो, दैट्स इट। और सर इस बार शादी के बीच में से मत बुलवा लीजिए। जतिन जस्ट जोकिंग सर। सर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कब अरेंज करूं सर? जतिन तुम देख लो यार। डोंट वरी सर, मैं हैंडल कर लूंगा सर। You have to stop coming like this. And you have to stop living like this. क्या ये पूरी गाड़ी को तुमने घर बना दियो? घर वर जाती हो या नहीं? बकवास बंद करो। बिना काम के तो तुम अपने खुद के घर नहीं जाओ। पॉइंट पे आओ। स्मार्ट। काम क्या है? सिद्धार्थ को असली कातिल ने फ्रेम किया है। पूछो मुझे कैसे पता? कैसे? तुम यहाँ गोली मारती हो सेंटर पे। उसको पेट पे गोली लगी यार। मैं नहीं मानता। हर शूट आउट अलग होता है। मास मैन को मैंने इतने करीब से देखा है। सिद्धार्थ की चाल ढाल, उसकी चलन, मुझे नहीं लगता वो कातिल है। तो फिर वो पुलिस से क्यों भाग रहा था? तुम लोगों का लुकआउट है, तुम लोग देखो। और सुनो, सब खिड़कियां बंद रखो, कोई भी अंदर आ सकता है। बैंग बैंग। हेलो नीता, कल की बैलिस्टिक रिपोर्ट तैयार है? प्रायोरिटी पे रखो। दीदी आप अब यहां और नहीं रुक सकती। आप मेरी बात सुन रही है ना दीदी? दीदी आप ठीक तो है? नो आई कांट लीव। 5 साल पहले आज ही के दिन मैं ये सब कुछ छोड़ के गई थी। सबकी कीमत लेके ही जाऊंगी। अच्छा तुम्हारी वेडिंग गेस्ट लिस्ट रेडी हुई क्या? व्हाट? उसमें एक नाम और ऐड करना है, रमोना धनराज, क्योंकि वो जिंदा है। रोहन ने कभी तुमसे जिक्र किया रमोना के बारे में कि वो जिंदा है? कुछ भी ऐसी कभी कोई? सर आप भी तो थे ना वहां पे जब वो फ्यूनरल की तैयारियां कर रहे थे। एंड हमें कैसे पता कि रमोना है? लैब में तो जो भी डीएनए एविडेंस था उसके हिसाब से तो रमोना ने लैब में आग लगाई थी। क्या? Who else? और करता क्यों कोई?
I liked her better as a dead person. Oh, sorry. तो डेड बॉडी किसके लिए? Exactly. कहाँ है वो? How do we find her, Meera? See, this changes everything. हमें नहीं पता कि उसका एजेंडा क्या है. उस डेड बॉडी पे रमोना की रिंग मिलना, फिर मोनिशा के साथ जो हुआ, और अब शिमोना पे ये थ्रेट. What do you mean? ये सब रमोना ने किया है? We don't know that. लेकिन रमोना का इन सबसे कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है. शिमोना, उस दिन तुम्हारे साथ कौन कौन था? Nobody unusual. It was just me, Dolly and Poonam. हर जगह सिक्योरिटीज हैं, कैमरास हैं, एंड रमोना इज फैमिली. व्हाई वुड शी डू दैट? वेट अ मिनट रोहन, कैन यू थिंक अबाउट एनीथिंग? कैन यू टेल मी एनीथिंग स्ट्रेंज दैट हैपेंड दैट डे? आपकी ड्रिंक. ये जीएनटी नहीं है. गेट आउट, गेट आउट. हाँ, पूनम थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रही थी. पूनम और रमोना का कुछ? पूनम और रमोना बहुत क्लोज थे. वो हमेशा है ना रमोना के इर्द गिर्द घूमती रहती थी. एंड वेयर इज शी नाउ? कुछ दिनों से पैलेस ही नहीं आई है. तो बिल्कुल रमोना जैसी दिख रही है. हाइट, एज, सेम रमोना जैसी. इसका मतलब रमोना दी मैं बस आ ही रही हूँ जी. मास अच्छे से कंप्लीट हो गया. मैं रूबी की मॉम को घर छोड़ के फिर घर ही आती हूँ रमोना दी जी. त्यागी, पूनम चर्च में आई थी. आई थिंक शी इज द की. तुम उसका एड्रेस फाइंड आउट करो, मैं तुम्हें वहीं मिलती. हाँ मीरा, कोई नहीं है यहाँ, घर खाली है बिल्कुल. जी सर. आस पड़ोस में पता करो. ओके सर. कितना हुआ भैया? 50. दीदी, दीदी आप ये क्या कर रही हैं आप? दीदी देखिए, मेरी बात सुनिए, ये गन मुझे दे दीजिए. हेलो. कहाँ तुम? क्यों, मेरी याद आ रही है? जहाँ तुम होते हो केस वहीं खींचा चला जाता है. टेल मी वेयर यू आर राइट नाउ. एक पुराने फ्रेंड से मिलने आया हूँ. क्या ये फ्रेंड रमोना? रघु, आई एम टेलिंग यू, डोंट डू इट. ठीक है, लेट द पुलिस हैंडल इट. आर यू लिसनिंग टू मी रघु? टेल मी वेयर यू आर राइट नाउ. पूनम का पीछा करते करते मैं फतेहपुरी में आया हूँ. शायद रमोना भी अंदर ही है. 5 मिनट है तुम्हारे पास, वरना मैं अंदर जा रहा हूँ. सॉरी पूनम, आई एम सो सॉरी. दीदी मैं समझाती हूँ आपको. थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग.
मेरे पास और कोई चारा नहीं है। फिर से भाग गई। रघु, आर यू सेइंग कि रोहन ने अपनी बहन का मर्डर किया है? बाय द वे वी चेक्ड, रोहन उस वक्त अपने पापा के साथ हॉर्स राइडिंग कर रहा था। हो सकता है रोहन किसी और को भेजा हो। जस्ट सेइंग। बट व्हाई? क्यों कराएगा वो ये मर्डर? प्रॉपर्टी के लिए। प्रॉपर्टी ऑलरेडी रोहन की है। सर हो सकता है रमोना ने उसका नाम इसलिए लिखा हो बिकॉज रोहन नेक्स्ट टारगेट है। ट्विस्ट। हो सकता है, ये भी हो सकता है। कार्तिक हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हो। जो भी हो, एक बात तो तय है, यहाँ से अगर थोड़ी भी बात बाहर जाती है तो इस केस पे जो तुम लोगों का थोड़ा भी कंट्रोल है ना। यू आर राइट, ये बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। अंडरस्टूड, थैंक यू। निकल। Are you sure? Yes, Meena. I'm fine. Winner, winner, chicken dinner. आज खाने में चिकन बर्गर। हम रोज चिकन बर्गर खाएंगे। अरे नहीं नहीं, आज चिकन बर्गर खाएंगे, कल पिज्जा खाएंगे, परसों पास्ता खाएंगे। ये क्या है? ये मेरा होमवर्क है। तुमने पढ़ाई की? मुझे ये वाला समझ नहीं आ रहा। मैथ्स? अरे ये तो मेरा फेवरेट है। नंदू मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल। It was 11 span of his hand. Sonu is... Pari. Sorry. अब पढ़ाई करें। नंदू एंड हमें इसमें रिफिल डालनी चाहिए। नंदू मेजर द लेंथ प्लस टू द लेंथ ऑफ द टेबल प्लस टू मेजर टू। ये क्या है? त्यागी, yes? रूबी की मॉम का स्टेटमेंट? बस ट्रांसक्राइब ही कर रहा हूँ। जाओ ऑडियो लेके आओ। ओके। मीट फोन पे क्या मिला? मैम, फोन और लैपटॉप दोनों खाली है। शायद रमोना ने कल ही फॉर्मेट मारा है। त्यागी, पूनम का फोन लाओ। सेम या मीरा, बट इंटरेस्टिंगली कल ही रमोना ने अपने फोन पे एक एनक्रिप्शन एप्लीकेशन डाउनलोड किया था। हाँ? मैम, मैं ये लैपटॉप खोल नहीं पाऊंगा क्योंकि 3 गलत अटेम्प्ट्स के बाद ये लैपटॉप ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाएगा। व्हाट? आई कांट। ऐसा क्या है इस एप्लीकेशन में? दैट वी डोंट नो। Okay, guys, we need to find a solution. Okay, we have 3 attempts, right? Sorry, only 2. कल उसने एक यूज कर लिया था। एक पेक फ्री था, लेके क्या बोलने का? 1, 2, 3। अबे अब गाड़ी कैसे चलाएंगे अपुन? मैं सोच रहा हूँ मैं थोड़ा नैप ले लेता हूँ, उसके बाद गाड़ी चलाएं।
अबे क्या करता है, पूरा नेचुरल ब्यूटी खराब करता है इतनी अच्छी जगह, साफ सुथरी जगह को। अबे काय का नेचुरल ब्यूटी, ये दे। ये बोतल से तो मेरे को एक दिन याद करेगा। अजय के लोकेशन कोऑर्डिनेट्स, मेरे और अजय का ओपन एयर बियर बार, मतलब इन बियर बॉटल्स में शायद मेरे लिए कोई मैसेज। सिद्धार्थ और रमोना साथ थे, मतलब पार्टी में मैंने जिस लड़की के साथ उसे देखा था वो सिद्धार्थ था। रमोना ने लैब को इसलिए जलाया होगा ताकि सारे लोगों को लगे रमोना मर चुकी है। लेकिन अजय और मोनिशा के पास ऐसा क्या राज था? एक कॉमन बात, ये सारे पार्टी के दिन वहां थे। आखिर पार्टी में ऐसा क्या हुआ कि ये चारों मारे गए? रूबी तो पार्टी में नहीं थी, फिर उसकी बॉडी पर मेरा स्कार्फ कैसे पहुंचा? रमोना ने दीवार पर रोहन का नाम क्यों लिखा? हाँ, बिल्कुल मैं करता हूँ।
मीरा यहाँ क्या कर रही हो? रोहन, I need your help. Yes, tell me. Get inside. What? Get inside. Okay. रमोना की कुछ फाइल्स हैं लैपटॉप पर. पासवर्ड प्रोटेक्टेड. We can't crack it. और तुम्हें लगा कि मुझे पता होगा? मेरा मुझे ये तक नहीं पता था कि रमोना जिंदा है. हाँ, पर शिमोना से मैंने पूछा था. तो उसको अपने पासवर्ड याद नहीं रहते. Exactly. देखो, शिमोना ने मुझे बताया था कि तुमने उसे और रमोना को सेफ पासवर्ड सेट करना सिखाया है. सो मे बी यू कैन गेस इट. लैपटॉप पीछे रखा है. यू नो व्हाट, आई वांट टू शो यू समथिंग. आगे से लेफ्ट लो. कहाँ जा रहे हो? स्वीडन वॉच. मेरा, मैं यहाँ खड़ा था और रमोना वहाँ बार के पास एज यूजुअल. दैट वाज द लास्ट टाइम आई सॉ हर एंड दैट टाइम आई डिडंट नो कि अगली बार जब उसे मिलूंगा तो 5 साल बीत चुके होंगे और उसकी बॉडी किसी हॉस्पिटल के मॉर्ग में पड़ी मिलेगी. आई नो यू आर हर्टिंग रोहन. You know, मीरा, मुझे तुमने कुछ बताया नहीं. इस पुलिस इंस्पेक्टर वाले चेहरे के पीछे क्या है? I don't know. You need answers, you need passwords or whatever. But at least मेरे डैड को तो धोखे में मत रखो. It's killing him. रोहन, what do you think I'm doing? ये आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देके तो उनको कोई क्लोजर नहीं मिलेगा ना. देखो, इस बार प्लीज मेरी हेल्प कर दो. रमोना ने इतना तगड़ा एनक्रिप्शन किया है, कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा ही. यू थिंक मैं इस केस से कनेक्टेड हूं, राइट? व्हाट? नो. हेलो, मेरा ही नाम लिखा था ना रमोना के खून में. रोहन, आई एम सो सॉरी. आई रियली कुडंट टेल यू. तुम्हें लगता है रमोना और पूनम को मैंने मारा? No. Laptop. I'm really sorry. I am bound by law. What? कैसे किया तुमने ये? मैंने ही समझाया था रमोना को, शिमोना को, कि अपनी नेम प्लेस एनिमल थिंग का फर्स्ट लेटर, अपनी बर्थ डेट का डबल और एक एक्सक्लेमेशन मार्क. सो दैट मेक सिद्धार्थ का एस, लंदन का एल, एलिफेंट का ई और केक का सी. बर्थ डेट 24/28 और एक एक्सक्लेमेशन मार्क. रोहन, थैंक यू सो मच. थैंक यू. इफ यू आर सीइंग दिस वीडियो, नो दैट आई एम डेड. खत्म. लेकिन मेरी स्टोरी अभी तक खत्म नहीं हुई है. 2015 में एक रियूनियन पार्टी ऑर्गेनाइज की थी. एवरीवन वाज हैविंग फन. सब बहुत खुश थे. लेकिन मुझे सिर्फ वहां से भागना था. Hi. Hi. Having fun? आप ठीक हो? हाँ हाँ. Okay okay. लग तो नहीं रहा. No, I'm totally okay. You're having fun, yeah? Yeah. I hope everything is fine, na? Yeah. Rohan, listen, Shimona का ख्याल रखना, okay? Let her be, Adi. She deserves this night. We all deserve this night.
सिद्धार्थ बहुत डरा हुआ था क्योंकि वो जानता था कि अगर हम यहाँ से भागे तो हमारी जान खतरे में है। लेकिन मैंने सिद्धार्थ को भागने के लिए मना लिया था। मेरा इरादा पक्का था। I was done living a fake life with fake people. और मेरे लिए वो पार्टी एक exit strategy थी। Finally. एकदम जुड़वा बहने लग रही दीदी। Good fine Poona. Have this around and perfect. सब प्लान के हिसाब से चल रहा था लेकिन तभी रूबी का फोन आया। For the plan. Hello, दीदी, वो लोग मुझे मार डालेंगे दीदी। पूनम किधर है? तुम किधर हो अभी? मैं वो कुंड वाले पीछे के फैक्ट्री पे छुपी हूँ। अब जल्दी से आ जाओ दीदी। रुको जल्दी, जल्दी जल्दी गेरिन। बात तो एकदम क्लियर थी कि कोई मुझे मारना चाह रहा है लेकिन मेरी वजह रूबी की किसी ने जान ले ली। इस बात का रिग्रेट मुझे 5 साल से परेशान करता आ रहा है लेकिन आई डिडंट स्टेप आउट एंड देन जब कॉप्स को रूबी का स्केलेटन मिला टू इन्वेस्टिगेशन से कहीं ये ना साबित हो जाए कि वो मैं हूँ इसलिए आई स्टेप्ड आउट। पहले मैंने फॉरेंसिक लैब चलाए एंड डिस्ट्रॉयड ऑल एविडेंसेस And when Sid Mehra was killed, he clear tha ki main next. I am the next. There's someone out there who wants to kill me. Someone out there in open, hiding, wants to kill me. You have to know that behind all these killings is shit. Charger hai tumhare paas? Lao, main charge kar deta hu. Raghu? Raghu, what the f*** are you doing? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? Move. मूव चलो अंदर मूव फास्ट दरवाजा खोलो कौन सा यू आर डेड रघु यू आर सो डेड ठीक है यहाँ कोई नेटवर्क भी नहीं आ रहा है क्या जगह है ये मुझे क्या पता मीरा मैं आया नहीं हूं पहले यहां कभी मीरा का मैसेज सर ना कॉल लग रहा है ना मैसेज जा रहा है सर मुझे लगता है वो खतरे में है शिट सर मैं और लीजा जाए नहीं 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 तुम दोनों रघु को ट्रैक करो मीरा को मुझ पे छोड़ दो ओके सर
मैसेज चला जाए। What are you doing? Come help me. रोहन पीछे हटो पीछे हटो। यहाँ पर सर वो रघु हमें यहाँ बंद करके चला गया। अगर रघु तुमको यहाँ बंद कर कर गया इसका मतलब शिट डैड और शिमोना तुम आप नो सर ये देखिए सर क्या है सब सर मर्डर वेपन्स और सबके नाम भी इंस्क्राइब्ड हैं सर अजय रमोना मोनिशा मीरा यहाँ पे सर मीरा कुछ समझ आया सर मीरा ना अब आएगा सर? ओहो झटका लगा अभी तो एक झटका और लगना है बुलेट का बैंग बैंग भारी मार देना चाहिए था इसको कम ऑन लेट्स गो पुलिस वाले को गोली मारी है नेक्स्ट एक दो घंटे में एक दो लोगों को और गोली मारूंगा उसके बाद आराम से एक्सप्लेन करूंगा नो तुम्हारी जो मर्जी में आएगी करोगे क्या बाप का राज है क्या था ये अभी थोड़ा बैंग बैंग करके आता हूं रघु बैंग बैंग रघु ये भी ले क्यूट कहां से चुराया तू अंदर मर जाती ना तो तेरे सेंस ऑफ ह्यूमर को भी मिस नहीं करता मैं एक अंडरकवर ऑफिसर हूं और विक्रम मेरे रिपोर्टिंग ऑफिसर है अनिन थे तुझे तो सस्पेंड कर दिया था ना वो सब तो विक्रम सर का प्लान था और तूने ब्रेकअप भी कर लिया मैं बोला फक इट निकल ही लेते हैं और हम समझ रहे थे कि मुझे तो पूरी दुनिया गलत समझती है और मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ तो लगी रहती है ये वीडियो देख कुछ देर पहले ही शूट किया मीरा को आपका तहखाना मिल गया कैसे रघु मैंने पहले ही कहा था मार देना चाहिए था उसे हमारा प्लान अभी भी कामयाब हो सकता है मीरा को मारकर रघु को फ्रेम करते हैं पर रोहन है वहां पर यू नो व्हाट टू डू फिनिश हर ऑफ चलो इसे फिनिश करते हैं। लीजा पूरी पुलिस फोर्स लेके पैलेस पहुंचो फास्ट चाबी थोड़ा काम पुलिस को भी करने दो तुम ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला जतिन इन सब में इन्वॉल्वड है अजय का मानना था पुलिस में से कोई कातिल की हेल्प कर रहा है होल्ड ऑन अजय का इन सब से क्या लेना देना मोनिशा को बूढ़े राजा को डिवोर्स देना था वो गई अजय के पास अजय को कहा पूरी प्रॉपर्टी का एस्टिमेट बनाओ Look. रमोना का मर्डर राजा सामने क्लियर अगर मैंने अभी डिवोर्स के लिए फाइल किया ना तो वो अजय मुझे गायब होना होगा I cannot help you. अजय और कौन हेल्प करेगा यार I cannot help. Please manage it yourself, please. अजय अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की ना मैं तुम्हारी वो एक्सीडेंट वाली स्टोरी पुलिस को बता दूंगी तब जाके अजय को काल कोठरी के बारे में पता चला और एक हफ्ते बाद रूबी की बॉडी मिली और सबको लगा वो रमोना थी नॉट टू लेट तुझे अब लग जाएगी
अब कोई किसी की मदद नहीं कर पाएगा बेटा। कितनी देर चला सकता तू? जितनी तेज आप बोलो उतनी तेज चला दो। चला मीरा, राजा साहब की गाड़ी अभी अभी यहाँ से निकल चुकी है। ठीक है, तुम राजा को फॉलो करो और हमें लाइव लोकेशन भेजते रहो। ओके मीरा, गॉट इट। राजा साहब की गाड़ी बुंदन के भाई खवेली के वहां पे आके रुकी है। कोई अंदर नहीं आना चाहिए, चाहे कोई भी हो, जाओ। हेलीकॉप्टर निकला कि नहीं? हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचा अभी तक। अरे राजा साहब, आप शिमोना को छोड़ दीजिए। राजा साहब, और कितने खून करोगे आप? बेटी है वो आपकी। ब्लड, यही तो सबकी वजह है। 700 सालों से धनराज खानदान ने अपने खून को शुद्ध रखा, किसी गंदे खून की मिलावट नहीं होनी थी उसमें, लेकिन रमोना ने सब बदल के रख दिया। मतलब हमारे दुश्मन और उस गंदे खून वाले सिद्धार्थ मेहरा के साथ भाग जाना चाहती थी। कैसे बर्दाश्त करते हम ये सब? इसीलिए उसे इसकी कड़ी सजा दी हमने। मोनिशा को भी इसके बारे में सब पता लग गया था, वो भी इसके दोस्त के साथ भाग जाना चाहती थी। इसीलिए उसे ठिकाने लगाया हमने। तुम दोनों का इंसाफ भी हम जरूर करेंगे।
कैसी लगी मेरी हीरो वाली एंट्री? शर्ट उतार के बेबी, अगर तुम्हें याद हो बहुत सारी शर्ट्स तुमने मिली थी। You have to get Raja. No. पता है लोग मरने से पहले अक्सर क्या सोचते हैं? मास्क के पीछे कौन होगा? रोहन? डैड ने बोला था मेरा अंडरकवर है, एक्सपोज कर देगी। पर फिर भी आई लव्ड यू, आई रियली लव्ड यू। ये सब जानने के बाद भी मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता था। मैं रघु क्यों? रोहन क्यों? रमोना जानती थी कि उस मेहरा से प्यार करना गलत है, फिर भी उसने किया क्यों? और वो ये भी जानती थी कि इसकी सजा क्या है। तो बस डैड ने सजा दे की। कैसे? मैं जानता था कि उस पार्टी की रात रमोना और वो सिद्धार्थ, भागने वाले। मैंने उनका पीछा करके उनको मार भी दिया। लेकिन वो रमोना नहीं, कोई रूबी नाम की लड़की निकली है। ब्लडी जर्नलिस्ट अजय, रॉयल फैमिली को एक्सपोज करने का शौक था उसे, इसलिए मुझे रघु को स्टॉक करना पड़ा। पहले गार्डन में सबूत गाड़े और फिर रघु और अजय के हैंगआउट प्लेस फोर्ट में कमीने ने मटेरियल छुपाया हुआ था राजा जी के अगेंस्ट। बट नो वरीज, लेट बट नॉनदलेस राइट। पांच साल बाद मैंने उसका पीछा करके उसको फिर से मार दिया और उस सिद्धार्थ को भी जिसने उसके भागने में मदद की थी। और मैंने सिद्धार्थ के सर्वेंट क्वार्टर्स में अपने कपड़े छुपाकर सारा इल्जाम सिद्धार्थ के सर पे डाल दिया। अरे वो मेरा, आई ऑलवेज थॉट कि यू एंड आई वीक पॉइंट ना, लड़की हूं लेकिन कब और कहां मारना है जानती हूं। तुम चार, मेरा मतलब 3.5, और मैं अकेली क्लास। बैंग
फिर से लेट। एंट्री लेट हुई तो क्या, सॉलिड होनी चाहिए। पंचलाइन बिफोर पंचेस। हाँ, अगर तुम्हारे पास गन थी तो मेरा पंच क्यों वेस्ट किया? मैं गन और गिल जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल करता हूँ।